हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वंदना ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। तो मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, इसी वजह से ब्लॉग नहीं जा पाया दो दिन से। मटर का निमोना मैंने बनाया, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं अपनी रेसिपी। तो ये मैंने 1 किलो मटर है करीब, उसमें से थोड़ा सा 100 ग्राम करीब मटर मैंने निकाल लिया था खड़ा, बाकी मैंने दरदरा पीस लिया। ये देखिए 10 से 12 लहसुन की कलियां, इसको कूट लेंगे। मटर को जितना अच्छा भूनेंगे उतना बढ़िया बनेगा, मटर भूनने में ही टाइम लगता है। ये देखिए हमने इस तरह से कूट के तैयार कर लिया है, रख लिया है। बहुत लोग पीस के बनाते हैं, लेकिन मैं खाली लहसुन ही कूटना रहता तो मैं इसी तरह से कूट लेती हूँ। और यकीन मानिए बहुत अच्छा निमोना बनता है। और उसमें डालने के लिए 2 आलू, 2 मीडियम साइज़ के प्याज और बढ़िया ये जो कद्दू कोहड़ा होता है वो सफ़ेद वाला, उसकी बड़ी मैं खुद बनाती हूँ। घर का बनाई बड़ी है, मेरे पास अब कम बचा तो मैंने 4 लिया है, 4-5 मैं निमोना में डालती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जो लोग डालते हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं डालते वो एक बार डाल के ज़रूर देखें। ये 1 किलो मटर था, और निमोना में सबसे ज़रूरी चीज़ है हींग, इससे आपको गैस नहीं बनेगा। ये देखिए लगभग भून के तैयार है, देख रहे हैं ना, देखिए ये देखिए। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद सबसे पहले मैंने तेल डाला, और निमोना में तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, 2 बड़े चम्मच मैंने डाला है। तेल गर्म होने के बाद आगे दिखाती हूँ। तेल पहले अच्छी तरह से गर्म हो जाए, फिर मैं इसमें थोड़ा सा हींग डालूंगी, जरा सा। और ये जो लहसुन हमने कूट के रखा था, अब कटे हुए प्याज, लाल हो जाए। ये देखिए बड़ी डालना जो है भूल गई थी मैं, इसको फ्राई करना, तो मैंने इसी में डाल दिया। किसी के साथ हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो मैं निकाल लूँगी। निमोना का सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि आप इसमें कभी पीसे हुए प्याज मत डालें, हमेशा काट के ही प्याज डालें, बहुत टेस्टी बनेगा। प्याज हो गया लाल, अब इसमें देखिए हल्दी, हल्दी पाउडर, गरम मसाला 1 चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि मेरे यहाँ तीखा लोग खाते हैं, और आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने मसाला डाला, अब डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब डालूंगी नमक, मैं नमक डालूंगी 1 चम्मच, थोड़ा सा और डाल देती हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मसाले को धीरे धीरे मैं बहुत अच्छी तरह से भूनूंगी। आपका मसाला जितना अच्छा भुनेगा उतना अच्छा सब्जी या निमोना कोई भी चीज़ आप बनाते हो अच्छा बनेगा।
मसाला भुन जाने के बाद मैंने मटर जो भून के पिसे हुए रखे थे अब उसको फिर से भूनूंगी, वो थोड़ा भुनेगा। उसके बाद फिर आलू और बड़ी मटर सब डाल के इसको फिर मैं भूनूंगी अच्छी तरीके से। इसको मैंने सिम करके एकदम छोटे चूल्हे पे रख दिया भूनने के लिए। जब तक नींबू ना मेरा भून रहा मैंने सोचा लाओ बर्तन भून लूं। ये देखिए 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 कितना अच्छा दिख रहा है। अब नीचे हल्का हल्का तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। खाली मटर को मैंने 10 से 15 मिनट में भुना था और फिर ये कम से कम इससे 8 से 10 मिनट लगा भुनने में। और इसके बाद आगे का तक निमोना हमारा भुन रहा मटर, तब तक मैं इसमें पानी गरम कर लेती हूँ अच्छे से। और क्यों कर रही हूँ इसमें वो आगे अभी आप सबको पता चलेगा। तो जब तक हमारा जो है मटर भुना रहा तब तक मैं आटा गूँथ ले रही हूँ और चावल मैंने पहले भिगो दिया है इस कुकर में। आटा मैं गूंथ ले रही हूँ, मेरा साथ साथ अभी खाना रेडी हो जाएगा। अभी कोई खाएगा नहीं क्योंकि अभी टाइम बहुत कम हो रहा है, लेकिन मेरे पास काम और है। तो इतना बना के मैं नींबू ना आटा गूंथ के बैठूंगी आराम से, कुछ और काम करूँगी। मैं दिख रही हूँ पूरी या नहीं मुझे नहीं पता है, अकेले रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो ये आटा मैं गूंथ रही हूँ। तब तक खाना बनाने में टाइम जब भी लगता है जब आपको पता नहीं होता क्या बनना है। पानी गरम हो गया, अब आगे का दिखा। तो ये देखिए एकदम भून के रेडी है। आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। कढ़ाई मेरी छोटी हो गई थी इसी वजह से मैंने कुकर में पानी खूब अच्छी तरह से खौला लिया, फिर उसी में मटर को डाल दिया। बस पकने के बाद आप सभी को दिखाती हूँ। तो इसमें पानी मैंने करीब 3 गिलास डाला है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाऊंगी मैं। तो खोल के देखते हैं क्या हाल है इसकी। बस देखना आलू गला कि नहीं गला, कि बाकी चीजें तो तैयार लग रही है। ये देखिए आलू फूट गया है। तो हमारा निमोना रेडी है। अब मैं मिलती हूँ आप सभी को खाने पे कि निमोना के साथ मैंने और क्या बनाया है। की पत्ती भी मैंने डाल दिया है। तो निमोना मेरा रेडी हो गया, उसके साथ बनाया मैंने रोटी चावल और मूली चटनी। तो वही कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ चटनी मूली में लगा के खाइए बहुत मज़ा आता है। और इसमें घी डाल के वास्तव में इतना मज़ा है इस निमोना खा के, बहुत अच्छा बनता है। आप सभी एक बार ज़रूर बनाइए। और इसके साथ मैं अपने ब्लॉग का करूँगी एंड और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। बाय बाय।